हाय गाइस, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम सैलो सुपर क्लब अल्ट्रा जीएम प्लस सैंडविच मेकर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, देन स्टार्ट द वीडियो। तो इस सैलो कंपनी ब्रांड का मुझे ख़ास बात ये लगी, देखिए यहाँ पर लिखा है इजी टू क्लीन नॉन स्टिक प्लेट, मतलब काफ़ी अच्छी है इसकी प्लेट दिखने में, नॉन स्टिक की है और अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी, इजी टू क्लीन। सेकंड वन इज़ पावर ऑन एंड रेडी लाइट इंडिकेटर, तो आप रेड बटन देख सकते हैं और ग्रीन, दो इंडिकेटर दिए गए हैं। रेड इंडिकेटर का मतलब कि जब आप इसके अंदर सैंडविच कोई कुक कर रहे हैं तो ये रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जब आपका सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा तो ये ग्रीन इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। तो ये लॉकिंग हैंडल है, लॉकिंग हैंडल सिस्टम दिया गया हुआ इसमें, और क्या, एक या एक साल की वारंटी दी गई हुई है और 750 वॉल्ट्स। तो सैलो कंपनी का है, इसकी लुकिंग भी काफ़ी दिखने में अच्छी है, ब्लैक और सिल्वर कलर का डिज़ाइन इन्होंने दिया है। तो चलिए इसको मैं आप अंदर से खोल के बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप सैलो कंपनी का इन्होंने लोगो दिया गया हुआ सामने रेड कलर में, किचन कलेक्शन सुपर क्लब अल्ट्रा प्लस, सिल्वर और ब्लैक कलर का इन्होंने डिज़ाइन दिया गया हुआ, काफ़ी अच्छा है दिखने में, लुकिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। और ये देख सकते हैं रेड और ग्रीन कलर का इंडिकेटर दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लॉकिंग सिस्टम दिया गया हुआ है और ये इन्होंने पावर बटन का कनेक्शन दिया गया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको अंदर से खोल के, ये देख सकते हैं नॉन स्टिकी है बिल्कुल, इसके अंदर दो ब्रेड आराम से आ जाएंगे, पर आपको इसमें ब्रेड थोड़ी लार्ज साइज़ की चाहिए, स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड नहीं चलेगी इसमें, थोड़ी बड़ी ही ब्रेड चाहिए इसमें। तो एक ब्रेड आप इससे डालिए, एक ब्रेड आप इससे डालिए, तो बाद में इसे आप बंद कर दीजिए, फिर तो आप देख सकते हैं ये जैसे ओपन है अभी लॉकिंग सिस्टम, इसे आप क्लिक कीजिए, ये एक क्लिक की आवाज़ आएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसके बाद आप पावर कनेक्शन का बटन दीजिए तो फिर इसके बाद ये रेड लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, इसका मतलब कि आपकी सैंडविच अंदर तैयार हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद जब ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाएगा इसका मतलब कि आपकी ब्रेड बनकर तैयार है। इसमें आपकी ब्रेड काफ़ी दिखने में भी अच्छी लगेगी, क्रिस्पी बनेगी और काफ़ी टेस्टी होगी, और आपके बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी ये। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट दिखने में, मैंने आज ही मार्केट से परचेज़ किया 1100 का, इसे आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं पर मैंने मार्केट से लिया, बाकी आपका जहां मर्जी से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मेन है सैलो कंपनी, हमारे इंडिया का ब्रांड है, तो आजकल चला है ना मेड इन इंडिया, तो ये हमारे इंडिया का ही ब्रांड है, इंडिया के ब्रांड लीजिए। और देख सकते हैं, हम अंदर से दिखा देता हूँ आपको फिर से मैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है प्लेट्स, टू पीसीज मजे से यहाँ पर आ जाएंगे, पर लार्ज साइज़ के होने चाहिए और आपकी अच्छी सी ब्रेड तैयार बन की तैयार हो जाएगी। तो ये आप अपने परिवार वालों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, सबको पसंद आएगी, ब्रेड तो सबको पसंद होती है, मेरे को भी बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है, बैक भी देख सकते हैं आप इसकी, कितना अच्छा दिया हुआ है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मेक इन इंडिया का ही प्रोडक्ट है ये, ये देख सकते हैं पीछे भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं मेक इन इंडिया। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये। तो मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो गाय अच्छा लगा ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो भाई को, और अपना ध्यान रखें, अच्छा अच्छा खाना खाइए और फिट रहें। बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।